मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल खगेंद्र ब्लॉग। गाइज, आप लोग कैसे हैं? एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे जो भी होंगे। तो गाइज, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो गाइज, आज हो गया आपका तारीख, 4 तारीख है और 2021 और 2023। 2023 में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग एवं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो गाइज, मेरे वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो गाइज, जिंदगी में खुशी और गम और वक्त इंसान को इस चीज़ों को झेलना ही पड़ता है। इसी तरह से जो भी आप लोग 2022 में जितने भी दुख सुख को झेले होंगे, अब 2023 का जिंदगी एकदम खुशहाल से सभी को झेला है। तो गाइज, मेरे इस तरह से वीडियो को देखने के लिए ब्लॉगिंग टाइम पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं शॉर्ट बुक में भी वीडियो डालता हूँ जो फनी टाइम पर गाइज, इनके लिए आप लोगों को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट भी कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग इधर मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ लॉन्ग टाइम पर और ज़्यादा शॉर्ट ही डालता हूँ, पर ऐसा नहीं होगा, अब से मैं लॉन्ग वीडियो भी डालूंगा। जो भी कुछ बोलूंगा, अपनी गलतियाँ एवं टूटी फूटी भाषाओं में आप लोग एक साधारण युवक समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मैं जितना हो सकता हूँ जो भी बोलता हूँ वो अच्छा ही है, मैं अपना आप को सोच कर बोलता हूँ। तो भाई, जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे वीडियो देखते हैं, आप लोग अच्छे मन से दिल लगा कर पढ़िए और आने वाला एग्जाम्स को प्रिपेयर्स के लिए आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए ताकि आप उसमें सफल हो पाइए। और जो भी 11th 12th में है या मैट्रिक बोर्ड दीजिएगा अगली बार बिहार बोर्ड से या यूपी बोर्ड, जहाँ से भी देखते हैं, प्लीज़ आप लोग अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए और मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। जिस काम में लगते हैं उसे अच्छे ढंग से कीजिए और सफलता क्या है, सफलता तो जरूरी है। जिंदगी में हार कभी इंसानों को नहीं मानना चाहिए, पर वह काम किस ढंग से करता है वो अपने आप को खुद उसमें संभल कर सोच कर रहना चाहिए। यदि किसान सोचेगा कि हल चलाना हम छोड़ दें, खेत में बोना छोड़ दें, फसल बर्बाद हो जाएगा, इस टाइप से बहुत सारे तूफान, चक्रवात, आंधी, क्या कहते हैं, मौसम की समस्याएं बहुत झेलनी पड़ती है, तो किसान फसल को खेत में नहीं बोएगा। पर ऐसा नहीं होता है, उन्हें बहुत सारे झेलों को झेलना पड़ता है, बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ता है। और खेतों में कभी ऐसा भी होता है कि एक फसल भी नहीं बचता, पर वो कभी हार नहीं। उसी तरह जिंदगी में जो भी है, जो चीज़ भी मिलता है, उसे सुख समाप्त झेल देना चाहिए और समझना चाहिए। दुख क्या है, सुख क्या है, दोनों एक भाई, इसलिए दुख में मत घबराइए और सुख में भी। दुख सुख एक समान होता है, जिंदगी में ये हर वक्त एक वृत्त की तरह चक्का जो होता है, साइकिल के चक्का जिस तरह नाचता है, तो बिल्कुल लगता है कि एक कब कहाँ रुकेगा वो ठिकाना नहीं होता। उसी तरह जिंदगी का चक्का कब किस मोड़ पर आकर रुकेगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए मेरा यह सुझाव, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा खगेंद्र ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।